आज आम बनवा बिना घी बिना अंडा बिना बटर केवल मात्र गोटे कप सुजी में अधा किलो केक् से भी पुणी कढ़ई में यह केक् बनवा बहुत ही सहज आउ टेस्ट यार बहुत ही बढ़िया पूरा स्पंजी आउ सॉफ्ट यहाँ बनवाई मात्र दुई तीन टी जिनस ही आमको दरकार तो चलतु बनवा आरंभ करवा। नमस्कार अनु एंड पवित्रजी लाइफ स्टाइल को आपनको बहुत बहुत स्वागत। आज रही हेल्दी आउ टेस्टी सुजी केक् बनवाई मुझे अधा कप्र टे अधिक चीनी नहीं छोट दाना वाला चीनी नहीं आम चीनी को गोटे बड़ बाउल देदे एवं गोटे कप पूरा गरम क्षीर एड करवा मन रखिए क्षीर पूरा गरम थी दरकार एवं चीनी को क्षीर भलसे मिसई नेबा एठ मु चीनी क्षीर को भलसे मिसई नहीं एथिरे एड करिबा सुजी मुझे पतला वाला बा छोट दाना वाला सुजी गोटे कप नहीं सुजी को क्षीर से ढाली नेबा आउ भलसे मिसई नेबा। एठ मु भलसे मिसई नहीं घोड़े की 20-25 मिनिट छाड़ देबा रेस्ट पई जहा द्वारा सुजी भलसे फुली जिबो यह भितर आम आउ सब प्रिपेरेसन करें केक् बनवाई मुझे गोटे केक् टी नहीं जी आप थी तो ने ना कौन भी टीफिन में बनई पारे एवं घी भलसे चारिड़ ग्रीस करनेबा ये मुझे घी भलसे ग्रीस करल्प मैदा नहीं चारिड़ बुले नेबा जहाद्वारा केक् बाहर करने आमको सुविधा हे एम केक् टी पूरा रेडी सैड करदे ये मुझे किसी ड्राई फ्रुट्स नहीं आपण चाहिए ये ड्राई फ्रुट्स भी एड करें ना टूटी फ्रुटी भी एड करें ये मुझे काजु आलमंड को एमती छोट छोट कर अल्प किसमिस को भी काटि नहीं गोटे चामच मैदा दे गोल एमती गले जिते बारे बेटर यही ड्राई फ्रुट्स देवा ताले जा लगे सबुआड़े इवेनली रोक केक् बनवाई मुझे गोटे कढ़ई नहीं गोटे प्लेट रखिदे जदि आपखे स्टाण थी तो ने ना कौन स्टिल गिना एमती प्लेट नहीं पारे मुझे एमती प्लेट नहीं प्लेट को कढ़ई एमती रखिदे आउ लिड दे लो फ्लेम पूरा 5 मिनिट जाए कढ़ई को प्री हिट करनेपटे पूरा 20 मिनिट हो गला देखो सुजी के भलसे फुली जाए यार टेस्ट को आहरी बढ़ावाई ए 2 चामच मिल्क पाउडर एड करवा मिल्क पाउडर एड कले केक्र टेस्ट बहुत भल आम गोल रखि ड्राई फ्रुट्स एड करवा एवं पूरा 5-7 मिनट जाए भलसे गोल जहाद्वारा केक् पूरा स्पंजी और सॉफ्ट हेबो बैटर को एमती गोलला बेले सब बेले गोटे डायरेक्शन ही गोलैबे एबे मु पूरा 5 मिनट जाए गोल नहीं एड करवा इनो गोटे कप सुजी गोटे चामच इनो सफिसीएंट जदि आपण पाखे बेकिंग सोडा कि बेकिंग पाउडर थी तेज एड करेंगे ना एमती इनो भी एड करें जदि किसी एड करें तेज एमती आउ 5 मिनिट अधिका चलई ने गोटे डायरेक्शन रे इनो देला भलसे मिसई नेबा एबे बेटर आम पूरा रेडी या केक् टिन को ढाई नेबा ये मुझे केक् टिन रे प्रथम ड्राई फ्रुट्स दे दूची एबे एथरे बेटर को ढाई नेबा एमती टेप करने जहाद्वारा एम बबल सब बाहर एबे ऊपर ड्राई फ्रुट्स रे गार्निशिंग करने जहाद्वारा देखा भल लगे ये कढ़ई पूरा भलसे गरम हो जाए केक् टिन रखी लिड देदे आरा 35-40 मिनट जाए कुक करें पूरा लो फ्लेम मझे मझे या चेक करेंगे एबे पूरा 40 मिनट हो जाए चेक करने एबे एमती गोटे टूथपिक दे चेक करने जदि टूथपिक पूरा क्लीन बाहर तो केक् पूरा रेडी जाए देखो तो टूथपिक पूरा क्लीन बाहर माने आम केक् पूरा रेडी जदि टूथपिक क्लीन बाहर नहीं तेज आउ 5 मिनिट या कुक करने आम प्रथम थंडा करने थंडा कले शीघ्र बाहरी आसव एठ केक् को पूरा थंडा कर साइड रे एमती चाकुरे बुले दे एमती प्लेट को ओल्टे टेप कले सहजरे बाहरी आसिबो एबे देखंतु आम केक् केते बढ़िया देखा होची केही देखिले मानिबेनि कि आम यहाँ केवल सुजी आउ खीर रे बनेचे बोली एबे यहाँ आम कट करनेबा एबे देखंतु आम केक् केते स्पंजी आउ सॉफ्ट हेची यहाँ को भांगी की देखो देखु देखिले तो केते सहजरे केवल मात्र 2-3 टी जिनिसरे घरे ही केते सहजरे आमे केक् प्रस्तुत कले
टेस्ट भी यार बहुत ही बढ़िया। आपण भी घरे यहाँ निश्चित बनातु आ समस्त खुआतु समस्ते आपण को प्रशंसा करेंगे। आशा करूँ आज रेसीपी आपण मानक बहुत ही पसंद आसो। भिड भल लगे भिड को लाइक करेंगे सेयार करेंगे आदि आम चेल नुआ अच्छा तेज चेल्क सब्सक्राइब कालापर पाखे छोट बेल आइकन को प्रेस करदे जहाद्वारा एमती नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन आपण आगे पाइपर पुणी आसबी आउ एक नुआ रेसीपी सह से पर्यटन रोचे नमस्कार।